हाँ तो दोस्तों नमस्कार, स्टे होम स्टे हेल्दी स्टे सेफ, वेलकम टू आपके टीचर चैनल। इस बार मैं आपके सामने कुछ नया लेकर आया। लास्ट लेसन में आपने ह्यूमन फेस के बारे में जाना, उसी को आगे बढ़ाते हम आज सीखेंगे हम किसी लेडी के फेस को कैसे बनाए। तो उठाइए पेंसिल और पेपर और शुरू हो जाइए मेरे साथ। हमारे लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि एक ह्यूमन फेस को हम एक ज्योमेट्रिकल शेप से कैसे पूरा करते हैं, ठीक वही प्रोसेस हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लेडी फेस के लिए फर्स्ट स्टेप में हम एक सर्कल लेते हैं, एक सर्कल जो कि 12 सेंटीमीटर का या फिर अपने अनुसार आप जो भी ले सकते हो। स्टेप टू में हम दो भागों में इसे डिवाइड करते हैं, दैट मीन्स इसका रेडियस हो जाता है 6 सेंटीमीटर। फिर एक वर्टिकल लाइन सेंटर पॉइंट से होते हुए हम ड्रॉ करते हैं, उस वर्टिकल लाइन को हम एक्सटेंड करते हैं सर्कल के बाहर के एरिया तक। उसी तरह एक हॉरिजेंटल लाइन भी हम सर्कल के सेंटर पॉइंट से क्रॉस करते हुए ड्रॉ करते हैं। और स्टेप थ्री में बॉटम वाले जो रेडियस का पार्ट है उसे हम दो पॉइंट को क्रिएट करते हैं और उस पार्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। उसी मेजरमेंट को हम सर्कल के बाहर 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लेके एक पॉइंट बनाते हैं। यह हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब आप फोर्थ स्टेप की ओर जाते हो। फोर्थ स्टेप में हम शेप को पूरा करते हैं जो कि फेस का शेप होता है। उस फेस के शेप में हम कान के पॉइंट से होते हुए नीचे चिन की तरफ हम दोनों तरफ एक लाइन खींचते हैं जो कि कर्विस होता है। ये कर्विस लाइन आप रेफरेंस फेस जिस तरह का होगा, लाइक अगर आपने किसी लंबे लेडी का फेस बनाना है या फिर किसी चौड़े लेडी का फेस बनाना है, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप वो लाइन कैसा खींचते हो। तो डिपेंड्स ऑन दैट आप उस कर्विस लाइन को ड्रॉ करते हो। ये सब पूरा होने के बाद हम आंखों के शेप को रेडी करते हैं। सबसे पहले हम दोनों आंख बनाते हैं। उस आंखों के शेप में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जो नीचे वाले जो पार्ट है वो दोनों उसी एक ही लाइन में हो, अगर आप फ्रंट फेस बना रहे हैं तो। फिर अब आंखों के ऊपर एक लाइन होती है, उस लाइन को हम ये लाइन भी डिपेंड करता है कि फेस किस तरह का है और आंख किस तरह की है, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी मैं एक इंडियन लेडी का फेस बना रहा हूँ, तो ये मोस्ट ऑफ द इंडियन लेडी का फेस इसी तरह का होता है। कि ऊपर वाली लाइन जो कि सेंटर ऑफ सर्कल के जस्ट नीचे है, उस पार्ट पे हम आईब्रो बनाते हैं। ये दोनों तरफ आईब्रो हमने बनाया और इसे ये पूरा हो जाता है आईब्रो। अब हम नोज की लाइन की तरफ आते हैं। यहाँ नोज हमें क्रिएट करना है,
तो नोज भी डिपेंड करता है कि वो फेस रेफरेंस आपका कैसा है। अगर आपने फेस लंबा अगर चुना है वो लंबा कुछ जाएगा, और अगर मीडियम शेप का चुना है तो मीडियम शेप का उसके नोज को हम बनाएंगे। या फिर आपका रेफरेंस फेस कैसा है, आप किसका फेस बनाना चाहते हैं, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। लेकिन ये जो मेजरमेंट है, ये मेजरमेंट इसी तरह से होंगे सभी फेस के। अगर आप किसी भी फेस को बनाते हो तो सबका एक प्रोपोर्शन रेशियो होता है, उस रेशियो को फॉलो ही आपको करना है ताकि एक प्रोपोर्शन में एक फेस बन सके। हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, ये सारे शेप्स हमारे हो गए हैं, अभी नोज तक हमने बना लिए हैं, अभी नीचे उसके नीचे और चिन के सेंटर में हम अभी माउथ का बनाएंगे। माउथ को बनाने के पहले ये हमारा दोनों जो आँख हमने बनाए हैं, दोनों आँख के आईबॉल हैं, आईबॉल से दोनों आँख के आईबॉल से वर्टिकल लाइन हम नीचे की तरफ ड्रॉ करते हैं, और ये वर्टिकल लाइन हमारे माउथ के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक को प्रदर्शित करता है। तो हमारा जो माउथ है या किसी का भी माउथ होता है वो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ही होना चाहिए, वो ज़्यादा या कम नहीं हो सकता है। तो इसको फॉलो करना है, और ये रूल फॉलो करने से आपको कभी भी फेस बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। पूरा बॉडी एक प्रोपोर्शन में होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारा जो बॉडी होता है वो हमारे किस रेशियो में होता है, उसका फेस का रेशियो हमारा पूरे बॉडी का कितना होता है, लेडीज़ का कितना होता है, जेंट्स का कितना होता है, दोनों के अलग अलग होते हैं, या फिर वो यूरोपियन है, इंडियन है, एशियन है, तो सबके अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा एशियंस अगर हैं, एशियंस में भी बहुत तरह के हैं, जैसे चाइनीज है, चाइनीज के फेस या फिर चाइनीज की हाइट वो सब अलग अलग तरह की होती हैं। हमारे इंडियन में सारे अलग अलग तरह के होते हैं। तो अभी हम इंडियन पे ही हैं और इंडियन का ही शेप्स तैयार कर रहे हैं। इस तरह हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो में आप देखेंगे अलग अलग तरह के फेस, अलग अलग तरह के बॉडी शेप्स, अलग अलग तरह के जेंडर, सबका हमने कैसे बनाना है वो हम बताएंगे। आपके टीचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नोटिफिकेशन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज कर दें, ताकि आपको हमारा हर वीडियो समय पे पहुंचता रहे। थैंक यू।